के साथ देश में लॉकडाउन 5.0 का ऐलान हो गया है। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 रहेगा। तो लॉकडाउन 5.0 के जारी हुई है गाइडलाइन शर्तों के साथ। 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे और कंटेनमेंट जोन में चरणों में मिलेंगी छूट। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो देश में 1 से 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से स्टेट हेड मिताली चंद्रा जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। मिताली जी, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है लॉकडाउन की अवधि जो है 30 जून तक बढ़ा दी गई है। बहरहाल इसमें जो है कुछ एक रिलैक्सेशन भी दी गई है, लेकिन वही जो हॉटस्पॉट जोन वगैरह है वहां पर सख्ती से जो है इसका पालन किया जाएगा। कुछ एक जो है सोशल जगहों को खोला गया है, जिसमें मतलब जो लोकल मंदिर वगैरह है वहां पर जो पब्लिक है वो वर्शिप कर सकेगी। कुछ एक होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लिए भी जो है बोला गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इन पर खास जोर देते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है, लेकिन साथ ही कुछ एक रिलैक्सेशन भी जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली जी अधिक जानकारी देने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ इनपुट हेड सुनील गुप्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील जी, लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक आगे कर दिया गया है, क्या कुछ गाइडलाइंस आई है सरकार की तरफ से? निश्चित तौर में गाइडलाइंस को लेकर के सरकार ने तमाम सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। उसमें जो विशेष उसमें जो जोर दिया गया उसमें कि रात 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू सा माहौल रखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और जो छोटे मॉल्स हैं उनको भी खोलने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो थिएटर हैं और मॉल वो बार हैं, इसके अलावा जो भी और इस तरीके के जो भी सैलून वगैरह हैं उनको फिलहाल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो लॉकडाउन 5 है वो इसको 30 जून तक बढ़ाया गया है, और 30 जून के दौरान अभी 8 जून के बाद से जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं और उसके अलावा जो इस तरीके जो मॉल्स हैं उनको खोलने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए जो सरकार है उन्होंने सभी राज्य सरकारों को इसके आदेशित किया है कि वो अपने हिसाब से अपने अपने जिलों के डीएम से बात करके वहाँ के जो हालात हैं, जहाँ पर ज्यादा हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पर दूसरी तरीके का अपना वहाँ पर स्थिति बनाएंगे। इसके अलावा जहाँ पर हॉटस्पॉट एरिया नहीं है और जहाँ पर पूरी तरीके से लगभग जो कंटेनमेंट एरिया या ऑरेंज जोन या किसी प्रकार का कोई जोन नहीं है वहाँ पर वो डीएम के दिशा निर्देश के बाद उनसे बातचीत करने के बाद वो तय करेंगे कि कितने बजे से क्या वहाँ पर ढील देनी और क्या क्या वहाँ पर शुरू रखना। हालांकि ये एक बड़ी जो लॉकडाउन 5 है ये काफी सहूलियत भरा नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आम आदमी को काफी सारी जो राहत सी नजर आ रही है। इसमें जो अभी तक था लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, लोग अपने कहीं भी जाने के लिए उनको पास की जरूरत पड़ती थी, अब जो एक स्थिति होगी कि अंतरराज्यीय अगर आपको स्टेट में कहीं भी जाना है तो उसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी, आप कहीं भी आना जाना है तो आप अपने वाहन से आ जा सकते हैं। हाँ, उसमें जो नियम कायदे हैं उसका फॉलो करना पड़ेगा। जो कार में एक व्यक्ति अगर आगे गाड़ी चला रहा है तो 2 व्यक्ति पीछे बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर घर के कोई 2 बच्चे हैं तो वो बच्चे भी उस गाड़ी में रहेंगे। इसमें अगर इसके अलावा जो लोग अगर इस नियम का फॉलो नहीं करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, उसको लेकर के पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन, क्योंकि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं किया गया, उसे 30 जून तक बढ़ाया गया है, उसके चलते जो लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि लॉकडाउन 5.0 में काफी कुछ राय दी जा रही है। जनता बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी अधिक जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, देश में लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के स्टेट हेड राजेश वर्मा जुड़ चुके फोन लाइन पर। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है, उत्तराखंड में लगातार मामले भी बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के? बिल्कुल, मैं बता दूं कि 30 जून तक जो केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन शुरू की गई है उसके अनुसार जो है 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
अभी फिलहाल जो है तमाम उत्तराखंड में जितने भी आला अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी ने अभी हाल ही में अभी प्रेस वार्ता में सब चीजें बताई हैं, जिसमें कोरोना संख्या उन्होंने बताई है कि 727 जो है कोरोना संख्या हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, तो इन चीजों को लेकर के भी खासतौर से प्रिकॉशन बढ़ता जा रहा है। तमाम आला अधिकारी काम पर लगे हुए हैं, 24 घंटे की ड्यूटी वो लगातार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन जो है आज चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार जी ने उनको दिया है। और साथ ही सतर्कता बरती है कि जिस तरीके के जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं केंद्र सरकार द्वारा और जो राज्य में लागू की गई हैं उनको बिल्कुल फॉलो किया जाए, अगर कोई इसमें कोई उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग 3500 ऐसे मामले हैं जिन पर FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें बकायदा जिन्होंने क्वारंटाइन सेंटर से निकलने की कोशिश की या इस तरीके की जो बीमारी कोरोना की प्रदेश में चल रही है उसमें कोई लापरवाही बरतने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ जो है मामले इस तरीके के FIR जो है वो दर्ज की गई है। और साथ ही जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तराखंड में जो है सुबह राजधानी देहरादून एक कई ऐसे जिले हैं, सभी जिलों में जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो है इस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे। उत्तराखंड में वहां पर 11 केस पाए गए थे आज, और अब जो संख्या उत्तराखंड में वो 727 पहुंच चुका। बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, भारत में लॉकडाउन 5.0 का ऐलान हो चुका है। ये लॉकडाउन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के स्टेट हेड विवेक कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक जी, लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है, सरकारी गाइडलाइन भी आ चुकी है, और क्या कुछ रियायत दी जा रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही साफ कर दिया था कि 1 जून से लेकर 15 जून तक हमारे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 7000 से ऊपर की जनसंख्या 7000 ऊपर की संख्या पॉजिटिव पाई गई है इस केस में, केस को लेकर। इसमें 4000 करीब लोग सही हो गए और 3000 जो लोग हैं अभी बचे हुए हैं। इस सभी गाइडलाइंस सभी चीज को देखते हुए प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पर कहा है कि हम 1 से 15 जून तक अपना लॉकडाउन रखेंगे, और हम सभी चीज एक साथ नहीं खोल सकते हैं, वो धीरे धीरे जो भी गाइडलाइंस है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, जो गाइडलाइंस आई है उस गाइडलाइंस के आधार पर हम काम करेंगे। और कोई भी चीज चाहे शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा हॉल हो या दफ्तर हो, सभी को हम धीरे धीरे करके खोलेंगे, लेकिन एक साथ अगर हम खोलते तो कम्युनिटी जो इंफेक्शन होता है वो फैलने का मामला ज्यादा बढ़ सकता है। इसी कारण ये सभी मुद्दों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि 1 से लेकर 15 तक जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार वहां से जारी करता है वो गाइडलाइंस पे सबको पालन करना पड़ेगा। और अगर आपको बता दें तो राजधानी भोपाल की हालत बेहतर बिल्कुल खराब हो चुका है। यहाँ पे 1000 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं, जिसमें से 300 से ज्यादा संख्या में लोग अभी एक ही एरिया जो जहांगीरा कहलाता है वहां पे ज्यादा लोग संक्रमित और इन्फेक्शन से लोग ग्रस्त है। इन सभी को देखते हुए अगर हम जोन की बात करें तो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में क्या कुछ रियायत दी जा रही है? देखिए, जैसे केंद्र सरकार जो गाइडलाइंस के तहत भी जो ग्रीन जोन की जो ये दुकानें हैं उनको ज्यादातर रियायतें देने शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ के मंडिया और बाजारों को खोलने का ऐलान किया था, जो 11 से 5 तक की दिया गया था, लेकिन सरकार के यहाँ के जो जनता व्यापारी है उनके बार बार। जी विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी श्याम जाजू जुड़ चुके फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, गाइडलाइन भी जारी कर दी गई गृह मंत्रालय की तरफ से और इसका लॉकडाउन भी आगे बढ़ा दिया गया है। पूरे देश के सभी गृह मंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से अमित शाह जी ने कल बात कर ली थी और सब देश का रिव्यू लेकर जिस कारण ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो पर्पज जब तक पूरा नहीं होता तो मुझे लगता कि ये तो आधा अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। तो पूरे देश के वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन सरकार ने ये निर्णय किया है। देश की जनता को सुविधा तो चाहिए, लॉकडाउन में कामकाज तो होना चाहिए, पर इसके साथ साथ आखिर आदमी बचेगा नहीं तो ये बाकी सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। और इसके लिए दवा तो केवल एक ही स्पष्ट हुआ है कि दूरी रखना यही दवा है। तो आज हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली हिंदुस्तान में अच्छी तरह से लॉकडाउन होने के कारण बहुत अच्छा कंट्रोल इस पर हो गया और विश्व में बाकी देशों की तुलना में हमारी कम क्षति हुई है। जी बिल्कुल श्याम जी, जिस तरीके से लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है तो अब मैं जानना चाहती हूँ जो अंतर क्या है लॉकडाउन 4.0 में और अब जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है 5 में, क्या कुछ रियायतें दी जा रही है जनता को?
ऐसा है, इसका निर्णय सब प्रदेशों में अलग अलग उस प्रदेश की स्थिति को ध्यान में लेके केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार में वो लोकल अपने यहाँ किस बात को छूट देनी है और किसको नहीं देनी है, क्या वहाँ की आवश्यकता है, इसका देख के निर्णय करने का अधिकार दिया है। ओवरऑल प्रिंसिपली लॉकडाउन और चलाना अनिवार्य है। भारत जैसे देश में इतनी घनता है लोक संख्या में, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख नहीं पाते सामाजिक जीवन में, इसलिए कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने ये सब सोच समझकर ये ऐसा अपना निर्णय किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम जी हमसे बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और बता दें आपको शर्तों के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी, धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। तो एक नए रंग रूप में लॉकडाउन 5.0 आया है।